नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लक्ष्मी की इस समय शादी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि एक और लड़का देख लिया है जो कि ऋषि की फैमिली से, और नीलम खुश होती हुई नजर आ रही है कि चलो फाइनली अब ये होने ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों आखिरकार मलिष्का इतनी ज़्यादा खुश हो रही है कि चलो ये शादी हो रही है, और लक्ष्मी का इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकलने का समय हो चुका है। और इस समय कहानी एक नहीं बल्कि समय कई ट्विस्ट कहानी में आ रहे हैं, क्योंकि इधर मलिष्का के फेरे होते हुए भी दिखाई जाएंगे और इधर लक्ष्मी और ऋषि के फेरे भी होते हुए नजर आने वाले हैं। आप लोग जानते ही हैं कि कहानी में एक नहीं बल्कि समय कई और भी ट्विस्ट आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है, क्योंकि ना ही ऋषि के दिल में किसी भी तरीका से मलिष्का के लिए कोई इज्जत है। और बात की जाए लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी तो कभी भी शादी करना भी नहीं चाहती, क्योंकि दोस्तों आज भी लक्ष्मी को ऋषि की फिक्र है। क्योंकि ऋषि की फिक्र इसलिए है क्योंकि दोस्तों ऋषि का हमेशा साथ लक्ष्मी ने दिया है और लक्ष्मी का साथ हमेशा ऋषि ने दिया है, यानी एक दूसरे के लिए साथ देते हुए भी नजर आए हैं। कहानी वाकई में एक नहीं बल्कि समय कई जज्बातों में बेहद ज़्यादा खास और बिल्कुल ज़्यादा अलग देखने को मिलती हुई नजर आने वाली है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही एक बार फिर से लक्ष्मी बोलती हुई नजर आने वाली है ऋषि से कि मैं तुम्हारे जीवन के लिए प्रार्थना करूँगी कि तुम हमेशा खुश रहो। आप लोग जानते हैं कि ऋषि और लक्ष्मी एक दूसरे के लिए वाकई में काफ़ी समय से प्रार्थना करते हुए भी नजर आए हैं दोस्तों। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के लिए कहानी एक नहीं बल्कि समय कई और भी ट्विस्ट कहानी में आ रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि जब जब लक्ष्मी ऋषि के लिए प्रार्थना करती है तब कोई ना कोई ट्विस्ट जरूर आता है, और अब जो कहानी में ट्विस्ट आता हुआ नजर आएगा वास्तविक दोस्तों वो बिल्कुल खास देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।